मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांड्यन ने शुक्रवार को ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय तथा रेलवे स्टेशन पर कोरोना के मरीजों को रखने के लिए रेलवे की ओर से बनाए जा रहे कोच का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंडलायुक्त जयंत नालिकर ने रेलवे के अधिकारियों के साथ रेलवे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और वहाँ पर रेलवे द्वारा किए जा रहे तैयारियों को देखा और कहा कि जो भी आवश्यकता हो उससे जिला प्रशासन को अवगत कराएं, जिससे समय रहते मदद की जा सके। रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि विभाग द्वारा लगातार इस प्रकार का कोच तैयार किया जा रहा है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर इसका उपयोग किया जा सके। सकता है हमें लेनी पड़े। हाँ नहीं, वो इसी डीएम साहब से तो आप मिले ही हैं उसने। डीएम नियाज साहब, अच्छा विजय जिलाधिकारी गोरखपुर एसएसपी, अच्छा उसने शायद डीआईजी साहब हमारे साथ। तो अभी डीएम साहब के पास ड्यूअल चार्ज है ना? हाँ डीएम साहब हमारे जो डीएम यही मालिक हैं। अच्छा सर, हाँ जी। तो ये कितना है टोटल? ये सर टोटल हमारे पास 200 बेड है। ये स्मार्ट नहीं, अलग अलग है आपको। एम्बुलेंस है डॉक्टर? कुछ एक्चुअली वेंटिलेटर में क्या हुआ है कि वेंटिलेटर इन मैट्रेस पर हिंदी में बन नहीं पा रहे, बना नहीं पा रहे। अरे सामने बनवा देंगे। इमरजेंसी में ऐसे पेशेंट आया, उसको वहाँ पे हमारे सीनियर से बैठा है, उसको देख लिया, फिर रेस्पिरेटरी डिस्प्ले से दो पार्ट में लगाना पड़ेगा। नॉर्मल कोई तो डायरेक्ट भी आएगा। हमारा थोड़ा सा कंप्लेंट आ रहा है कि हम लोग सर वॉटरिंग करने के लिए हमने अपने स्टेशन का वॉटरिंग करने के लिए वहाँ टाइम नहीं होगा। अगर इमरजेंसी हुई तो मेरा सर वो वार्ड वार्ड पड़े यहाँ पर, लगता है ये पहले गेट बंद था जी। हाँ यस सर, यस सर। नहीं ये खुला रहता है वैसे, ये खुलता है सर, स्टाफ को अपने टाइम में खुलते हैं, बट रात में बंद रहता है सर। बट दिस वॉज नॉट यूज फॉर द हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल यहाँ पे सर हम लोग ये वहाँ पे तो दीवार उसको खुलवा देते हैं। जो डॉक्टर्स पैरामेडिक्स सर, हाँ मतलब हमारे यहाँ तो डॉक्टर वगैरह की कंप्लीट बंद है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसमें कोई किसी को छुट्टी ना दी जाए। एवरीबॉडी शुड बी अलर्ट 24/7 अवेलेबल ऑन मोबाइल। तो रेलवे का गेट है ना, जो मेन गेट है घड़ी लगी है वहाँ भी आ जाए एक बार का ये भी और देख लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर।